Hello everyone, my name is Arpit and you're watching at Fit Life. Do you have to reduce belly fat? क्या आप भी अपने पेट का फैट कम करना चाहते हैं? क्या आप भी लीन होना चाहते हैं और आपके बेली फैट बिल्कुल कम नहीं हो रहा है? पुअर डाइट सबसे बड़ा रीजन है आपके बेली फैट का। अगर आपको बेली फैट रिड्यूस करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या खा रहे हो। आप अपने डाइट में कुछ ऐसे फूड आइटम्स इंक्लूड कर सकते हैं जो आपको बेली फैट रिड्यूस करने में हेल्प करें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट 10 फूड आइटम्स विच विल हेल्प यू टू रिड्यूस बेली फैट। नंबर वन पे आता है एग व्हाइट्स। एक अंडे से आपको 78 कैलोरीज मिलती है। एक व्हाइट एग में आपको 3.6 ग्राम प्रोटीन, 0.3 ग्राम कार्ब्स एंड 0 ग्राम फैट मिलता है। एंड जो एग्स होता है ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है और ये आपके फैट बर्निंग स्पीड को बढ़ाता है। ये बहुत ही लो इन कार्ब्स होता है, बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। सेकेंड नंबर पे आता है बॉयल्ड चिकन। 100 ग्राम्स ऑफ बॉयल्ड चिकन आप कंज्यूम करते हैं तो आपको 165 कैलोरीज मिलती है उसमें एंड 31 ग्राम्स प्रोटीन आपको इसमें मिलता है। इट इज़ वेरी लो इन कार्ब्स एंड 3.6 ग्राम्स ऑफ फैट यू विल रिसीव फ्रॉम दिस चिकन एंड ये आपको काफ़ी टाइम तक के लिए फुल रखता है। इसमें बहुत ही कम कैलोरीज होती है और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे मसल्स बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। बिकॉज इसमें बहुत ही ज़्यादा लीन प्रोटीन होता है इसलिए ये आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है। थर्ड नंबर पे आता है फिश। वाइट फिश इज वेरी गुड इन रिमूविंग बेली फैट। 100 ग्राम्स ऑफ फिश से आपको मिलता है 208 कैलोरीज, 20 ग्राम्स प्रोटीन और 13 ग्राम फैट। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट का। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, अगर आप फिश खाते हो रेगुलरली तो ये आपको बेली फैट रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। नंबर फोर इज योगर्ट। 100 ग्राम्स ऑफ कर्ड से आपको मिलेगा 98 कैलोरीज, 11 ग्राम प्रोटीन, 3.4 कार्ब्स एंड 4.3 फैट। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है और ये बहुत ही अच्छा सोर्स है फैट बर्नर का। नंबर फाइव पे आता है एलमंड्स। एलमंड्स में होते हैं हेल्दी फैट्स जो आपके ऑल ओवर बॉडी मास इंडेक्स को रिड्यूस करते हैं और आपको हेल्प करते हैं वेट लॉस करने में, खासकर बेली पार्ट एरिया में। नंबर सिक्स इज क्यूकम्बर। इसमें 30 कैलोरीज होती है जो कि बहुत ही कम है और फैट इसमें बिल्कुल ना के बराबर होता है। क्यूकम्बर सीड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके बॉडी से एक्सेस वाटर को निकालने में। नंबर सेवन पे आता है लेमन। इसमें विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होता है जो आपके डाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता है। ये आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। नंबर एट पे आता है ओट्स, जिसको हम लोग सुपर फूड्स कहते हैं। बहुत ही धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है जो आपके कैलोरीज बर्न करने के प्रोसेस को बहुत ही इम्प्रूव करता है। नंबर पे आता है ग्रीन टी। कि बहुत लोगों को पता है कि ग्रीन टी इज़ अ वेरी गुड इन रिड्यूसिंग बेली फैट और बहुत सारे स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि ग्रीन टी अगर हम रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपके बॉडी से ये अनहेल्दी फैट को रिमूव करता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, जिसकी वजह से ये आपको हेल्प करते हैं फैट बर्न करने में और आपको वेट रिड्यूस करने में। नंबर 10 इज चिया सीड्स। चिया सीड्स इज वेरी गुड ऑप्शन इन रिमूविंग योर बेली फैट। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, ओमेगा 3, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो आपके बेली फैट को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप भी ये 10 फूड आइटम्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए जो आपको बेली फैट रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।